तो गाइस आज की वीडियो होने वाले हीरो की सबसे शानदार बाइक स्प्लेंडर प्लस न्यू 2024 मॉडल के ऊपर। तो गाइस स्प्लेंडर प्लस में आज हम जानेंगे कि क्या है इसकी न्यू ऑन रोड प्राइस और क्या क्या आपको खास चेंजिंग मिलते हैं। तो सबसे पहले बता दूं गाइस इसकी कलर जो आती है सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा बिकने वाली है ये कलर। तो जानते हैं इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन इस बाइक की। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली हीरो की स्प्लेंडर प्लस न्यू 2024 E20 स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर के ऊपर। तो गाइस इसकी है ये साइड प्रोफाइल और इस मॉडल्स में आते हैं दो वेरिएंट, एक एक्सटेक स्प्लेंडर प्लस आती है और एक नॉर्मल आती है। तो ये नॉर्मल वाली है, इसकी ऑन रोड प्राइस भी हम बताने वाले हैं और इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो गाइस इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आती है डिजिटल मीटर वाली और एक नॉर्मल। तो ये है मेरे पास नॉर्मल जो कि स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। डिजिटल में आपको कुछ इस टाइप से उसमें चेंजिंग आपको खास मिलते हैं, मीटर डिजिटल हो जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती है जिससे आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और इस मॉडल्स की प्राइस ऑन रोड कम होती है। तो गाइस पहले इस मॉडल्स की बात कर लूँ तो ये है स्प्लेंडर प्लस सिंपल वाली जो कि मैंने पहले भी बता दिया। इसमें आपको मिलते हैं i3s सेल्फ और किक जो कि स्टार्ट करने के लिए आपको तीन मोड मिल जाते हैं। किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, i3s से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीटर में आपको मिलती है स्टैंड लाइट कट ऑफ जो कि सारी बाइक्स में आपको स्टैंड लाइट कट ऑफ हीरो के मिल जाएंगे। i3s भी 80% बाइक में मिल जाएंगे, जिसमें i3s नहीं रहेगी उसकी प्राइस कम हो जाती है। ये होती है टॉप वेरिएंट जिसमें आपको सब चीज़ मिल जाते हैं। न्यूट्रन लाइट ECU होती है, ECU लाइट मिल जाएगी अपर डीपर। यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको सॉकेट मिल जाते हैं जिसे USB केबल से आप चार्ज कर सकते हैं, जो कि 100cc बाइक में इतनी सारी फीचर्स अदर कंपनी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इस साइड आएंगे तो हॉर्न इंडिकेटर और अपर डीपर की सुविधा मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस 9.8 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है, जिसमें आपको मिलते हैं E20 के स्टिकर भी जो कि सबसे टॉप वेरिएंट में E20 आई थी, एथनॉल प्लस पेट्रोल वो भी मिल जाते हैं, एथनॉल से भी ये गाड़ी चलेगी। नीचे की ओर आएंगे तो आपको पावर स्टार्ट लिखा हुआ FI की लोगो मिल जाती है जो कि ये FI बाइक है और इसमें फ्यूल इंजन इंजेक्टर सिस्टम आती है ये बाइक। इसमें आपको फ्यूल टैंक में मोटर मिलते हैं। यहाँ पर टेल पैनल पर स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग लोगो मिलती है और i3s है तो यहाँ i3s की भी स्टिकर आपको मिल जाते हैं। नीचे की ओर आएंगे तो 97.2 cc के इंजन मिलते हैं जो कि ब्लैक कलर में काफ़ी ज़बरदस्त और धासु दिख रहा है और ब्लैक प्लस ग्रे है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। ब्लैक इधर तो काफ़ी शानदार लग रहा है ये बाइक। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टेम्परेचर सेंसर जो कि 90 डिग्री, जैसी गाड़ी हीट हो जाती है 90 डिग्री टेम्परेचर पर तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको RPM कम हो जाती है जो कि इस बाइक में आपको 3 से 4 सेंसर मिल जाते हैं। इधर आएंगे तो स्टैंड लाइट कट ऑफ जो कि जैसे ही आप स्टैंड गिराते हैं स्टैंड लाइट कट ऑफ का काम है कि गाड़ी आपका बंद कर देगा। अगर न्यूट्रन में ही है तो नहीं बंद होगा, गियर में आप स्टैंड गिरा हुआ रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। और पीछे की ओर आएंगे तो आपको हाई पावर के शॉकर और सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि इस बाइक के लिए सबसे बेस्ट है। और 100cc ये बाइक है, 97.2 cc बट 100cc के नाम से जाना जाता है। ब्लैक चैन कवर भी आपको मिल जाते हैं जो कि चदरा का मिलता है। हाई पावर की शॉकर और सस्पेंशन, रियर टायर आपको ट्यूबलेस मिलेगा, फ्रंट प्लस फ्रंट टायर भी आपको ट्यूबलेस मिलेगा। रियर फ्रंट दोनों ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं जो कि सीएट कंपनी की हीरो कंपनी CA TVS MRF 3 कंपनी यूज करती है जो कि ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको। टायर नंबर बता दूँ 8018 जो कि 2718 पहले आते थे, इसमें भी चेंजिंग कर दी गई है, कुछ बढ़ा दिया गया है। तो इस पीछे की प्रोफाइल कुछ इस टाइप से और इसमें इंडिकेटर आपको मिलते हैं सिल्वर कलर की जो कि काफ़ी शानदार दिखता है। और इंडिकेटर में 10 वाट की बॉल, रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली है ये बाइक और सबसे ज़्यादा बिकती है और रियर ग्रिप में भी काफ़ी आपको चेंजिंग देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से इसका साइड प्रोफाइल है। और इस साइड आएंगे तो आपको साइलेंसर पत्ती जिसे मफलर कवर बोलते हैं वो सिल्वर कलर के मिल जाएगी। तो गाइस
कॉम्बो ब्रेक सिस्टम की भी सुविधा इस मॉडल्स में आपको मिल जाती है, जो कि हीरो के 100% बाइक में आपको ये सुविधा मिल जाती है। कॉम्बो ब्रेक और IBS दोनों सिस्टम मिल जाते हैं। पीछे वाले ब्रेक पुश करेंगे तो आगे पीछे दोनों काम करती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है ये बाइक। तो कॉम्बो ब्रेक की सुविधा मिल जाती है और इसकी ऑन रोड प्राइस होती है 93,000 रुपये और इसमें डिजिटल मीटर वाली की प्राइस होती है 97,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। और इसमें आप किसी भी कलर ले सकते हैं, जो से नॉर्मल है तो आप कोई भी कलर लेंगे प्राइस सेम ही होगी, और उस मॉडल्स में आप कोई भी कलर लेंगे डिजिटल में सिल्वर आता है और ब्लू आता है और रेड, तीनों में से कोई कलर लेंगे तो प्राइस आपको सेम ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस नहीं चेंज होती है कलर से। तो इस काफ़ी ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये बाइक है हीरो की, और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक है। फ्रंट की लुक काफ़ी ज़बरदस्त है और ब्लैक कलर में काफ़ी ज़बरदस्त ये बाइक दिखता है। कोई ख़ास चेंजिंग BS6 E20 में नहीं मिला देखने के लिए, और फ्रंट की हेडलाइट में आपको कोई चेंजिंग नहीं मिलती, जो कि 12 वाट की बॉल आती है वही रहेगी 12.5 वाट की, बट पहले वाली बाइक से ज़्यादा अच्छी इसकी हेडलाइट कर दी गई है। और फ्रंट में आएंगे तो हाई पावर के शॉकर और सस्पेंशन मिल जाते हैं, कॉम्बो ब्रेक सिस्टम, जो कि पीछे वाले ब्रेक पुश करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों काम करेगा। यहाँ DRL लाइट। तो 100cc बाइक में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं, और हीरो की सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली बाइक है स्प्लेंडर प्लस। इससे ज़्यादा फीचर्स वाली बाइक है डिजिटल मीटर वाली, जो कि यहाँ पर डिजिटल मीटर रहता है, उसकी प्राइस हो जाती है 97,000 और इसकी 93,000, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं इससे भी ज़्यादा, बट सेम बाइक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बट अंतर होती है तो डिजिटल मीटर और एक्सटेक हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये बाइक और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे।